Hey, good morning guys. Hi, this is Akshay and you are watching STK Vlogs. तो आज का टॉपिक एक हिडन प्लेस पे है. इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ. इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें. अभी टाइम हो रहा है 6:10 और ये जो लोकेशन है ये मेरे घर से लगभग 10 मिनट की डिस्टेंस पे है. अगर आपको इस लोकेशन पर आना है तो आपको नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो जोगेश्वरी का है. आप जोगेश्वरी आकर यहाँ पर आ सकते हो. जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन से ये लगभग 15 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पर है. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आते होंगे. और जो पिछले वीडियो का जो शाउट आउट है वो जाता है मेरे इन दो दोस्तों को. आप भी ऐसे कमेंट्स कीजिए जिससे मुझे सजेशन मिलेगा कि मुझे अपने वीडियो में क्या चेंजेस करने होंगे. अपने आज के डेस्टिनेशन के बारे में बात करूं तो ये केव्स लगभग 1500 साल पुरानी है. और ये जो केव्स है ये हिंदू देवता जोगेश्वरी की है. जोगेश्वरी भारत में सबसे पुराना प्रमुख गुफा मंदिर है और कुल लंबाई के संदर्भ में सबसे बड़ा है. अभी डेस्टिनेशन पे पहुंचता हूँ और आपसे बात करता हूँ. तो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे आ गए और एंट्री गेट पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है इन केव्स के बारे में. आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर कोई एंट्री फीस नहीं है और यहाँ के जो टाइमिंग्स हैं वो सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं. तो सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक यहाँ मतलब आप यहाँ पर आ सकते हो. ये इन केव्स की मेन एंट्री है और सीढ़ियों के माध्यम से इस गुफा में पहुंचा जा सकता है. कहा जाता है कि जोगेश्वरी केव्स का जो पुराना नाम था वो अंबोली केव्स था. इन केव्स में कई सारे पिलर्स हैं. दीवार पर हनुमान जी की मूर्ति है और शंकर जी का मंदिर है. कहा जाता है कि 6 शताब्दी के दौरान बौद्ध मंदिर बनाए गए थे. उसी क्षेत्र के हिंदू समुदाय ने बौद्ध निर्माणों से प्रेरणा ली और इस तरह जोगेश्वरी मंदिर की गुफाएं अस्तित्व में आई. इतिहास बताता है कि कारागिर अजंता से पश्चिम की ओर गए थे और इस तरह जोगेश्वरी गुफा में पहला भारतीय मंदिर बनाया गया. इस गुफा में देवी जोगेश्वरी की एक मूर्ति और पैरों के निशान भी है जिसके नाम पर इस क्षेत्र का नाम रखा गया है. ये जगह सच में बहुत खूबसूरत है लेकिन अभी जो इसकी कंडीशन है वो बहुत नाजुक है. तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप कभी भी ऐसे प्लेसेस पे विजिट करें तो प्लीज़ यहाँ पर कचरा ना फैलाएं. यहाँ पर गणेश जी और दत्तात्रेय की मूर्तियाँ भी हैं. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी. आप ज़रूर अपने फैमिली के साथ यहाँ पर एक बार विज़िट कीजिए. आज के वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.